नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आरसीबी टीम को अपना सातवां मुकाबला जो है पंजाब के खिलाफ खेलना है। पंजाब किंग्स और आरसीबी टीम आमने सामने होने वाली है आरसीबी टीम के सातवें मैच में। ऐसे में दोस्तों, ये मैच कब होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, इस मैच में क्या हो सकती है आरसीबी टीम की प्लेइंग 11, क्या कुछ हमें आरसीबी टीम में बदलाव देखने को मिल सकता है, सारी बातचीत आगे हम इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा सबसे पहले पहुँचते रहे। वहीं दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आरसीबी को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी आज से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक न्यूज़ मिलती रहती है। बाई चांस आरसीबी टीम से जुड़ी न्यूज़ नहीं भी आती है तो वहाँ पर आपको क्रिकेट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो डेली मिलती रहेंगी। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाकर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आरसीबी टीम फिलहाल जो है आईपीएल 2021 में 6 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें से उसे 5 में जीत हासिल हुई है, जबकि एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। आरसीबी टीम ने मुंबई, हैदराबाद, केकेआर जैसी टीमों को हराया है। वहीं दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ आरसीबी टीम को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस मैच में इनकी बल्लेबाजी फ्लॉप साबित हुई थी, जिसकी वजह से इन्हें हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि गेंदबाजी में भी हर्षल पटेल ने एक ही ओवर में 37 रन दे दिए थे। जडेजा ने पटेल की एक ही ओवर में 37 रन जड़ दिए थे, जहाँ पर उन्होंने 5 छक्के लगाए थे, जिसके बाद जो है मोमेंटम चेन्नई की तरफ पलट गया था और आरसीबी टीम को इस मैच में हार झेलनी पड़ी थी। मगर दोस्तों, इसके बाद जो है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टीम ने शानदार वापसी की। इस मैच में टीम ने 1 रन से जीत हासिल की। अब ऐसे में दोस्तों, सातवां मैच जो है आरसीबी टीम को पंजाब के खिलाफ खेलना है, जो कि अहमदाबाद में ही होने वाला है। आरसीबी टीम में क्या बदलाव हो सकता है, क्या वही प्लेइंग 11 होने वाली है, या फिर हमें कुछ बदलाव देखने को मिलने वाला है, थोड़ा सा हम जान लेते हैं इस वीडियो में। तो भाइयों, यहाँ पर आरसीबी टीम की प्लेइंग 11 में जो है थोड़ा सा एक चेंजेस देखने को मिल सकता है, जहां पर दोस्तों हो सकता है कि डेनियल सैम्स की जगह पर फिन एलन की वापसी हो जाए, या फिर अगर आरसीबी टीम चाहे तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकती है, क्योंकि पिछले मैच में जो आरसीबी टीम ने गेंदबाजी भी अच्छी की थी, इसके अलावा बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर फ्लॉप होने के बाद जो डिविलियर्स ने बल्लेबाजी क्रम को संभाला था और टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुँचाया था। ऐसे में दोस्तों, कम ही चांस है कि इस मैच में हमें बदलाव होते हुए दिखाई देगा। जो खिलाड़ी पिछले मैच में खेले थे, शायद वही खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। तो भाइयों, बात करें यहाँ पर प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 हमारे सबसे कुछ इस प्रकार से होगी। पहले खेलते नजर आ सकते हैं यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली और पड्डीकल। इसके बाद दोस्तों वहाँ पर 3 पर खेलेंगे पटीदार। पटीदार ने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, उन्होंने 31 रनों की अच्छी पारी खेली थी, जब आरसीबी टीम को वहाँ पर सबसे ज़्यादा दरकार थी। इसलिए दोस्तों, पटीदार को यहाँ पर 1 या 2 मैचेस में और मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर पर हो सकता है अगर बाई चांस फिन एलन खेले तो फिर वहाँ पर सैम्स नहीं खेलेंगे, क्योंकि 4 ही ओवरसीज खिलाड़ी खेल सकते हैं। ऐसे में भाइयों, डेनियल सैम्स की प्लेस पर ही फिन एलन वहाँ पर खेल सकते हैं। अगर उन्हें मौका मिलता भी है तो डेनियल सैम्स को जो है बाहर जाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, 4 पर खेलेंगे वहाँ पर मैक्सवेल, 5 पर एबी डिविलियर्स, 6 पर डेनियल सैम्स, 7 पर दोस्तों वहाँ पर खेल सकते हैं काइल जेमिसन, 8 पर सुंदर, 9 पर वहाँ पर हर्षल पटेल, 10 पर सिराज और 11वें नंबर पर चहल खेलते हुए दिखाई देंगे। तो भाइयों, ये होने वाली हमारी सबसे आरसीबी टीम की प्लेइंग 11। इनकी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिलने वाला है, बस एक ही बदलाव होने का चांस है, जहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि अगर बाई चांस फिन एलन वापसी कर दे तो फिर वहाँ पर डेनियल सैम्स को बाहर बैठना पड़ेगा। हालाँकि काफ़ी कम ही चांस है, क्योंकि डेनियल सैम्स जो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, वो गेंदबाजी करने के साथ साथ बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर सकते हैं। इसलिए भाइयों, उनका टीम में होना आरसीबी टीम को संतुलन प्रदान करता है। तो भाइयों, आप सभी को क्या लगता है, क्या फिन एलन को एक मौका देना चाहिए या फिर पटीदार के साथ ही टीम को जाना चाहिए, हमें कमेंट करके आप बता सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।